पेश है बिजनेस स्प्लिट टोकन, जो अल्टिमा बिजनेस में अधिकांश प्रोडक्टों की बिक्री के लिए बोनस का भुगतान करता है। बीएसपी टोकन का उपयोग कहां करें? बीएसपी टोकन वीआईपी स्प्लिट और यूनिटी स्प्लिट के साथ अल्टिमा स्प्लिट में भाग लेता है। स्मार्ट वॉलेट में स्प्लिटिंग स्टैंडर्ड नियमों के अनुसार होता है। यूजर के पास जितना अधिक बीएसपी होगा, अल्टिमा में संभावित रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। बीएसपी टोकन होल्ड करने के लिए रिवॉर्ड का दावा प्रतिदिन किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी इनकमिंग या आउटगोइंग ट्रांजैक्शन बीएसपी टोकन की आयु को रीसेट करता है। बीएसपी टोकन को स्प्लिटिंग कैसे शुरू करें? सबसे पहले आपको डैशबोर्ड से बीएसपी निकालने होंगे। ऐसा करने के लिए अल्टिमा बिजनेस वेबसाइट पर अपने पर्सनल प्रोफाइल में बाएं मेन्यू में पे आउट सेक्शन का चयन करें, बीएसपी बैलेंस को चुनें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको यह बताना होगा कि आप कितने टोकन निकालना चाहते हैं और आपके वॉलेट का एड्रेस। इस एड्रेस को स्मार्ट वॉलेट में कॉपी किया जा सकता है। निकाले जाने वाले टोकन की संख्या निर्दिष्ट करें, कॉपी किए गए एड्रेस को पेस्ट करें और ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड डालना होगा। गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन खोलें और एप्लीकेशन में प्राप्त कोड को उचित फील्ड में दर्ज करें। यदि आप सब कुछ सही ढंग से करते हैं तो आपको एक संदेश दिखाई देगा कि टोकन निकालने का अनुरोध किया गया है। तैयार है, आपने बीएसपी टोकन का पे आउट कर दिया है। अब अपना स्मार्ट वॉलेट खोलें, उपलब्ध एसेट्स की लिस्ट में बीएसपी ढूंढें और उस पर क्लिक करें। इसके बाद स्प्लिटिंग पर क्लिक करें। अब यह जांचने के लिए कि आपके टोकन स्प्लिटिंग के लिए तैयार हैं या नहीं, माई बिजनेस स्प्लिट टोकन्स पर क्लिक करें। आपके टोकन की उम्र के आधार पर आपको उनका स्टेटस दिखाई देगा। रेडी फॉर क्लेमिंग रिवॉर्ड तब दिखाई देगा अब टोकन स्प्लिटिंग के लिए तैयार है, जबकि क्लेम रिवॉर्ड और टोकन के तैयार होने में बचा समय तब दिखाई देगा जब उचित अवधि अभी तक पूरी नहीं हुई है। स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में एरो पर क्लिक करके वापस जाएं और यदि आपके टोकन स्प्लिटिंग होने के लिए तैयार हैं तो क्लेम रिवॉर्ड पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर आपको निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध होगी। माई बिजनेस स्प्लिट टोकन्स, आपके बैलेंस पर बीएसपी टोकन की संख्या, टोटल सप्लाई बिजनेस स्प्लिट टोकन्स, ब्लॉकचेन में बीएसपी टोकन की कुल संख्या, डेली रिवॉर्ड, बीएसपी होल्डर्स के बीच वितरित अल्टिमा टोकन की दैनिक संख्या, करंट ब्लॉक, ब्लॉकचेन में वर्तमान ब्लॉक दिखाता है, फाइनल ब्लॉक, वर्तमान हाल्विंग अवधि के लिए अंतिम ब्लॉक दिखाता है, माई एस्टिमेटेड रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का अनुमानित मूल्य। अगली विंडो में आपको बॉक्स को चेक करके और कंफर्म बटन पर क्लिक करके स्प्लिटिंग की पुष्टि करनी होगी। तैयार है, आपने सफलतापूर्वक अपने रिवॉर्ड का दावा कर लिया है। आप उपलब्ध एसेट्स की लिस्ट में अल्टिमा पर क्लिक करके प्राप्त इनाम देख सकते हैं। हमारे निर्देशों के अंत में हम आपका ध्यान स्प्लिटिंग नियमों की ओर आकर्षित करते हैं, जिन्हें आपको प्रोडक्ट के साथ काम करते समय जानना चाहिए। बीएसपी टोकन का कोई भी इनकमिंग या आउटगोइंग ट्रांजैक्शन सभी टोकन की आयु को रीसेट कर देता है। बीएसपी टोकन की न्यूनतम आयु 24 घंटे है, इसलिए यदि आप रिवॉर्ड का दावा करते हैं और आपके पास ऐसे टोकन हैं जो इसके लिए तैयार नहीं हैं, वे 24 घंटे से कम पुराने हैं, तो उन्हें उन लोगों के साथ रीसेट कर दिया जाएगा जो रिवॉर्ड प्राप्त करने के पात्र हैं। स्प्लिटिंग में भाग लेना और हर दिन अपने रिवॉर्ड का दावा करना न भूलें। गुड लक। यदि आपके अभी भी कुछ सवाल हैं तो कृपया सपोर्ट से संपर्क करें और हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी।